हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, उसमें हम देखेंगे लेसन एट प्रनाउंस मीन्स उच्चार। प्रनाउंस मीन्स क्या होता है? उच्चार। तो हम किसी के साथ सेंटेंस लिखते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो हम प्रनाउंस का यूज़ करते हैं। तो words used in place of nouns are called pronouns. When we talk about one, we use the pronouns I, me, you, he, she, it or him. वो सब हमारा क्या है? प्रनाउंस। I, me, you, she, it or him, he, वो सब हमारा प्रनाउंस है। हम वन पर्सन के साथ बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं? I, me, you, वो सब प्रनाउंस। वेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, वी यूज द प्रनाउंस वी, अस, दे, देम। हम मोर देन वन के साथ बात करते हैं, वन से ज्यादा के साथ बात करते हैं, तो हम कौन से प्रनाउंस का यूज करते हैं? तो वी, अस, दे, हर, देम। द प्रनाउंस यू इज यूज फॉर वन एज वेल एज फॉर मोर देन वन पर्सन। द प्रनाउंस यू इज यूज फॉर, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउंस यू का यूज हम वन एज वेल एज मोर देन वन, वन से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं हम, तो यू का यूज करते हैं। तो देन हम पेज नंबर 42 पे देखेंगे। ये हमने अगले वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में हम 42 पे देखेंगे, बी नंबर। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमको करेक्ट प्रोनाउंस चूज करके ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो फर्स्ट, गीता एंड सिस्टर हैव गोन द मार्केट। गीता एंड सिस्टर हैव गोन द मार्केट। तो क्या आएगा उसमें से? हर। क्या आएगा? हर, एच ई आर, हर। तो गीता एंड हर सिस्टर हैव गोन टू द मार्केट। उसके सिस्टर से उसके साथ कहाँ गए? मार्केट। टू, अ जिराफ हैज अ लॉन्ग लेग्स कैन रन फास्ट। तो किसकी बात आई? एनिमल्स की बात आई, लेग्स की बात है, तो इसलिए क्या आएगा? इट। क्या आएगा? इट। तो अ जिराफ हैज लॉन्ग लेग्स, इट कैन रन फास्ट। थ्री नंबर, Sam and Ram are busy. Do not disturb them. T-H-E-M. Them. क्या आएगा? Them आए। वहाँ पे it आएगा। तो Sam and Ram are busy. Do not disturb them. Four. I am feeling very happy. Today is my birthday. एम के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? हम आई का। किसका यूज करते हैं? आई का। तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, टुडे इज माय बर्थडे। हमारा बर्थडे है, होता है, तो इसलिए हम क्या होते हैं? वेरी हैप्पी होते हैं। फाइव, आई टोल्ड यू टू बी ऑन टाइम, नाउ डू नॉट ब्लेम मी। क्या आएगा उसमें से? मी, M-E-Me. Six, keep it up, are doing very, very well. तो keep, you आएगा, वहां पर कौन सा प्रोनाउंस आएगा? You. कौन सा प्रोनाउंस आएगा? You. तो keep it up, you are doing very, very well. Seven, this is Rama, is a dancer. तो क्या आएगा? See. गर्ल्स की बात होती है तो क्या आएगा? सी, दिस इज अ रामा, सी इज अ डांसर। एट, ब्लैंक्स आर प्लेइंग टूगेदर, आर प्लेइंग टूगेदर। तो इट आठ नंबर में क्या, एट नंबर में क्या आएगा? तो दे, टी एच सी वाई, दे। तो दे आर प्लेइंग टूगेदर। नाइन नंबर, आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट। तो आर के साथ हम किसका यूज करते हैं? ज्यादा ज्यादा की बात है, इसलिए क्या यूज करेंगे? हम वी आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट। टेन नंबर, दे हैव इनवाइटेड
They have invited for the dance season. They have invited us for the dance season. किसके सीजन है? डांस की सीजन है. सी नंबर. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर नाउन्स इन द प्लेस ऑफ द बोल्ड वर्ड्स. हमको फिर से प्रोनाउंस का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना है. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर नाउन्स इन द प्लेस ऑफ द बोल्ड वर्ड. जो बोल्ड करके वर्ड्स दिए हैं उसकी जगह पे हमको प्रोनाउंस लिखना है, जो सही आएगा वो. तो फर्स्ट सुंदर एंड आई डिसाइड दैट सुंदर एंड आई वुड गो टू मदुरई. दूसरी बार सुंदर वर्ड्स यूज हुआ इसलिए हमको प्रोनाउंस का यूज कर. तो कौन से प्रोनाउंस का यूज करेंगे? ज्यादा ज्यादा की बात आई इसलिए हम वी यूज करेंगे. तो हम उसका आंसर फिर से रिराइट करते हैं. सुंदर एंड आई डिसाइडेड दैट, वो जो बोल्ड करके जो दिए हैं उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? वी प्रोनाउंस यूज करें. वी वुड गो टू मदुरई. टू नंबर. राधा सेज दैट सुधा लाइक सिंगिंग. राधा सेज सुधा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? सी का, क्योंकि गर्ल्स की बात आई इसलिए. राधा सेज दैट सी लाइक सिंगिंग. उसको क्या पसंद है? सिंगिंग. थ्री नंबर. लुक एट द फ्लावर्स, दिस फ्लावर्स आर सो पेट्रिक. थर्ड नंबर. तो उसका आंसर हम लिखेंगे दिस फ्लावर. तो जो बोल्ड करके वर्ड्स दिए हैं उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? दिस फ्लावर. ज्यादा फ्लावर की बात लिखी इसलिए हम वहां पे दे लिखेंगे. तो लुक एट द फ्लावर्स, दे आर सो प्रेटी. फोर. लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. लोटस इज पिंक इन कलर. तो वहां पे दूसरी बार लोटस वर्ड्स यूज हुआ, तो हम लोटस की जगह पे इट यूज कर सकते हैं, इट प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं. तो हम उसका सेंटेंस रीराइट करेंगे. लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. इट इज पिंक इन कलर. इट इज अ पिंक इन कलर. फाइव नंबर. मिस्टर गोपी ऑलवेज कम लेट टू द ऑफिस. द मैनेजर डज नॉट लाइक मिस्टर गोपी. तो दूसरी बार मिस्टर गोपी यूज हुआ इसलिए हम उसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउंस यूज करते? हर यूज करते. तो हम लिखते हैं मिस्टर गोपी ऑलवेज कम्स लेट टू द ऑफिस. द मैनेजर डज नॉट does not like
हर। क्या यूज किया हमने मिस्टर गोपी की जगह पे, हमने हर प्रोनाउंस यूज किया। सिक्स नंबर, मुरुगन एंड अरुण आर फेलिंग, टेल मुरुगन एंड अरुण टू वर्क हार्ड। तो मुरुगन एंड अरुण दूसरी बार यूज हुआ, इसलिए हम उसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउंस यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउंस यूज करेंगे हम, देम। कौन सा प्रोनाउंस यूज करेंगे हम, देम। तो मुरुगन एंड अरुल आर फेलिंग। टेल उसकी जगह पे मैं कौन सा प्रोनाउंस यूज किया, देम टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। मुरुगन एंड अरुल आर फेलिंग, टेल देम टू वर्क हार्ड। तो हमने मुरुगन एंड अरुल की जगह पे कौन सा प्रोनाउंस यूज किए, तो देम प्रोनाउंस। तो आपको इस तक पता चल गया तो आपका 8th लेसन वहाँ पे फिनिश होता है। तो वो सब अपनी और टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिख देना।